अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला पॉटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में चूंच के काटने के बारे में बताऊंगा। चूंच की डीपिकिंग क्यों ज़रूरी होती है, यानी चूंच काटना क्यों ज़रूरी होता है। चूंच काटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर हमारी मुर्गियाँ एक दूसरे को चूंच मारती है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अमूमन ज़ख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चूंच काटना पड़ती है। तो चूंच काटने के तरीके की बात की जाए तो नेल कटर आपके पास होना चाहिए। नेल कटर से आपने ऊपर वाली चूंच हल्की सी काटनी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपने हल्की सी चूंच को काटना है, यानी माइनर सा कट करना है, और नीचे वाली चूंच हरगिज़ नहीं आपने काटनी, क्योंकि नीचे वाली नरम होती है, जिसकी वजह से वो अगर कट जाए तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। ऊपर वाली चूंच अगर आप ज़्यादा काट देंगे तो भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ऊपर वाली चूंच ज़्यादा ना काटें, हल्की सी काटें, और बाकायदा ये अमल हर माह दोहराते रहें, ताकि इसके क्या कहते हैं चूंच काटने का जो अमल है हमारा बेहतरीन तरीके से चलता रहे और मुर्गियाँ एक दूसरे को मारें ना। तो चूंच काटना इसलिए भी ज़रूरी होता है, अमूमन आप फार्म्स में देखते हैं कि जब 2 महीने का चूज़ा होता है तो उसकी चूंच जला दी जाती है। वो इसलिए जलाई जाती है ताकि आने वाले वक्तों में वो चूज़ा तब चूज़े से अडल्ट हो, अडल्ट से मुर्गा बने या मुर्गी बने, तो उसमें जो चूंच की काटने का अमल है यानी डीपिकिंग का अमल है वो ना हो। तो इसलिए चूंच काटना हमारे लिए मुर्गियों के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप हर माह दोहराते रहें तो उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा चूंच काटने का अमल रहता है, और मुर्गियां ऐसे नहीं मारती। मुर्गियां अगर मारेंगी भी तो ज़ख्मी नहीं कर सकेंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि बेशतर लोग ये चैनल सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और ऑल पे कर दें उसको। तो उससे क्या होगा, मेरी हर नोटिफिकेशन जो कि मेरे चैनल पे आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।